हेलो बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ डाउट लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो लोग कि बच्चे लोग जो जो डाउट पूछे ना, तो वो पहले हम लोग डाउट कर लेंगे जल्दी से, और फिर हम लोग आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे का हम लोग लेक्चर देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। तो कुछ बच्चे लोग प्रॉब्लम किए थे कि ये NCERT 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पहले तो क्या है, देखो 3 7 प्लस 7 i प्लस i 7 प्लस i 7, और इसको हम सॉल्व करना है। तो ये सिंपल है, देखो 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर से ये 3 × 7 21 i, फिर प्लस 7 i, ये प्लस ये 7 7, और i × i i² फिर से ये 21 प्लस ये 21 और ये 7 7, क्या हो गया। और i कॉमन निकाल लो, यहाँ 21 प्लस 7 और i दोनों में है तो i कॉमन निकाल लिए, फिर ये +7 और i² का वैल्यू होता है -1, ठीक है। यहाँ पे देखो i का वैल्यू कितना होता है, i का वैल्यू होता है रूट का -1, i² का वैल्यू -1, और i³ i² × i, तो i² का वैल्यू -1 और फिर से i -i, ठीक है। i की पावर 4, i² × i² -1 × -1 = 1, i की पावर 4n होता है 1, मतलब आई की पावर 4, आई की पावर 8, वाई ये आई की पावर 12 16, मतलब आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 पे 1 आएगा। अभी जैसे निकालना आई की पावर 69, तो क्या है स्टेप, की पहले 4 से 69 को डिवाइड कर दो, आई की पावर जो भी निकालना है। तो आई की पावर 69 निकालना है, तो 69 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में 4 और ये रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा आई। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ना बताया था कि जब रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर क्या आएगा, आई, यानी रूट के अंदर -1। अगर रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो आंसर आएगा आई की पावर 2 -1। अगर रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो आंसर आएगा आई की पावर 3 -i, और ये आई की पावर 3 -i, ठीक है। फिर अगर रिमाइंडर अगर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, आर की पावर 0 1, ठीक है। और क्लास 10th में हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर किसी नंबर को अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 0 1 2 3, 3 तक आएगा 0 1 2 3, ठीक है। 4 भी नहीं आएगा और 4 से बड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर आई, रिमाइंडर 2 आता है तो i², 3 आता है तो आई की पावर 3, 0 आता है तो ये आई की पावर 0, ठीक है, यहाँ आई की पावर 0। तो i की पावर 0 इज 1, ठीक है, और i की पावर 3 इज -i, i की पावर 2 इज -1, i रूट 1, i का 4 का मल्टीपल 1, ठीक है। तो ऐसे एकदम इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। अभी देखो, अब ये क्या हो गया, ये 14 और ये प्लस 7 और ये -1 हो गया -7, तो ये 21 -7, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14, फिर से प्लस 21 + 7 = 28 आई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 5.1 का। अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 5.1 का, ये भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये इसको फॉर्मूला कदम लगाना है, a + b और ये a - b, ठीक है। तो a + b और a - b इज a² और -b², ठीक है। छोटी क्लास में हम लोग पढ़े हैं a - b, और फिर a + b इज a² - b² तो a³² - b² फिर से ये ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो √3 + √2i, ये √2i और ये -√3 और ये -± + और ये √2i, ये -± + और √2i, ठीक है। अभी ये 3² 9 माइनस i² √5² 5 और ये √3 और ये -√3, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे तो क्या बच गया, √2i और ये +√2i बच गया, ठीक है। तो √2i + √2i, अभी ये 9 और ये माइनस ये i² इज -1, तो i² का वैल्यू हम लोग जब -1 तब रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -± + और ये 5, i² - - + और 5, फिर से ये इसको मान लो मन में x, √2i को मान लो x, तो ये x प्लस फिर से ये x, तो x + x क्या हो गया, ये x और ये प्लस x, तो x + x इज 2x, ठीक है। x + x इज 2x, तो 2x, x का वैल्यू क्या था, √2i, ठीक है, तो 2x आ गया। फिर से 9 + 5 इज 14 और ये अपॉन में 2√2i, अब ये 2 से 14 को हम काटेंगे तो 7, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √2i। अभी हम लोग नीचे रूट नहीं रख सकते, छोटी क्लास में ना पढ़े, और नीचे i भी हम नहीं रख सकते कभी, 11th क्लास में ना पढ़ लो। तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √2i और नीचे भी √2i से रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेंगे तो √2i ऊपर, √2i नीचे। अभी ये 7 × √2 7√2 और ये i, और ये √2 × √2 कितना हो गया √2i × √2i, तो
इसको फिर से मन में मान लो x और ये मल्टीप्लाई x, तो x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर, ठीक है, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर, तो ये इसको मन में मान लेंगे x और ये x, तो x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। अभी ये लोग कितना हो गया, सेवन रूट टू आई सेम, और रूट टू का स्क्वायर टू, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, अभी फिर से y, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, और ये माइनस ऊपर चला गया, ये तो टू इंटू वन टू, और ये माइनस ऊपर चला गया, तो सेवन रूट टू आई, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखना, और कोई अगर डाउट हो तो फिर से कम करना, ठीक है। देखो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बुक है, देखना नहीं है तो बुक डाउनलोड कर लो पीडीएफ में। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट माइनस वन इंटू पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर इसी में एकदम और भी एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में भी एकदम दिया है कि माइनस आई की जगह आई रख देंगे, या फिर माइनस थ्री या फिर प्लस थ्री, ठीक है, मतलब कोई नंबर या फिर माइनस के साथ, ऐसा किसी भी पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना हम लोग सीख लेंगे आज। तो हम कैसे करेंगे, देखो, तो पहले बात स्टेप मालूम है ना, पहले हम लोग स्टेप क्या है कि लेट माइनस आई जो भी दिया है जिसको हम कन्वर्ट करना है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, क्योंकि ये होता है कार्टेशियन प्लेन में और ये होता है पोलर प्लेन में। तो ये हो गया माइनस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस माइनस वन इंटू आई, ये जीरो और प्लस प्लस माइनस माइनस आई, इसको हम लोग ऐसे आदम लिख सकते हैं ना, जीरो तो हट गया और ये माइनस आई, ठीक है, इज इक्वल टू ये आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये तो सेम है, ये पोलर फॉर्म है। अभी कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से जीरो इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और ये माइनस वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये है प्लस आई और ये प्लस आई हटा दो, तो यहां क्या बचा, माइनस वन, यहां आर साइन थीटा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लोग इसको डाल देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स हम याद कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये फर्स्ट को भी और सेकंड को भी स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, अभी ये जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी ये दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है वन, क्लास टेंथ में पढ़ेगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन, तो ये आ गया वन, तो यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर और ये जीरो प्लस वन इज वन, तो वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू वन आ गया, और ये आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस। फिर से फ्रॉम वन, फर्स्ट वाले इक्वेशन से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, और ये इंटू है, इधर आएगा डिवाइड में, तो जीरो डिवाइड में आर, जीरो डिवाइड में आर, यानी कि आ गया जीरो। फिर से साइन अल्फा का वैल्यू, ये साइन थीटा का वैल्यू माइनस वन अपॉन में आर, माइनस वन अपॉन में आर, आर का वैल्यू वन है तो माइनस वन, ठीक है। अभी क्या आ गया, देखो निगेटिव आ गया ना, अगर एक भी वैल्यू अगर निगेटिव अगर आ गया तो फिर हम लोग अल्फा मान लेंगे, तो इसको साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस से प्लस कर लेंगे, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस वन, जब भी निगेटिव आएगा, तो अगर एक भी अगर निगेटिव आ गया या फिर दोनों अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में मान लेंगे, या फिर आप लोग हमेशा कर सकते हो हमेशा, तो साइन अल्फा प्लस वन और ये कॉस अल्फा ये जीरो, यहां से टैन अल्फा क्या होगा, साइन अपॉन में कॉस, यानी साइन कितना है वन अपॉन में जीरो, अभी वन अपॉन में जीरो क्या होता है, कोई भी नंबर अपॉन में जीरो, नंबर अपॉन में जीरो इज इंफिनिटी, ठीक है, तो नंबर को हम लोग जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आ गया, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा इंफिनिटी। अभी टैन 90 पे क्या होता है इंफिनिटी, मतलब यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 90, क्योंकि टैन में हम लोग अल्फा की जगह क्या डालेंगे 90, तो एकदम टैन 90 पे इंफिनिटी, तो अल्फा की जगह हम लोग 90 डालेंगे, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 90 मिल गया। अभी हम लोग जानते हैं कि x क्या है, x है यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है, x जीरो, और y क्या है, y माइनस वन, यानी y है माइनस वन निगेटिव, तो x पॉजिटिव y निगेटिव, देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, हमने पिछले क्लास में बताए थे कि ये x का प्लस y का प्लस, x का माइनस y का माइनस, इस कोऑर्डिनेट में इसमें क्या हो गया x प्लस y प्लस, इसमें x का माइनस y का प्लस, फिर इसमें x का माइनस y का भी माइनस, इसमें x का प्लस और y का माइनस, ठीक है, तो इसमें आ गया प्लस प्लस, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में है तो थीटा 180 माइनस अल्फा, अगर थर्ड में है तो अल्फा माइनस 180, और फोर्थ में अगर है तो माइनस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो x कॉमा y, x क्या आ गया x प्लस और y
माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस बताओ, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो थीटा आ गया माइनस अल्फा, और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो ऐसा ही बोला जाएगा कि इसको हम कन्वर्ट कर लो पोलर फॉर्म में, या फिर इसका थीटा और आर्गुमेंट निकाल लो, ठीक है, तो हम कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे, यहाँ पे आर की जगह रख लोगे वन, आर की जगह वन, और फिर से यहाँ पे आर की जगह वन, और थीटा की जगह 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री, तो ये हो गया इसका का कन्वर्ट, ठीक है, ये आ गया इसका पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म राइट है। तो ये हम लोग पोलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। वैसे आप लोग ये एकदम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करना, और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3 मार्क या 4 मार्क के, ठीक है, तो ये स्टेप से हम याद रख लो और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक और हम लोग क्वेश्चन हम लेते हैं, इस बार क्या है एनसीईआरटी का 5.3 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ भी सीखना नहीं है, जैसा आपको क्लास 10th में तो आता है ना डी निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, वही है यहाँ पे भी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में था सेम टू सेम। तो हम देखो क्या ये 5.3 में कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ कि सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसे क्लास 10th में तो मिलता था, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की जगह कितना आएगा, a की जगह माइनस वन, बी की जगह ये प्लस वन, और c की जगह माइनस का टू, ठीक है, क्लास 10th में तो मिला है ना, ये क्लास 10th में तो मिलता है, ठीक है, क्या माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो यहां पे ए की जगह बी की जगह सी की जगह मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे डी निकालेंगे, तो डी क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी, तो हम निकाल लो बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है वन का स्क्वायर, ये बी, बी की जगह वन का स्क्वायर, फिर माइनस फोर इंटू ए, ए की जगह माइनस वन, फिर से इंटू सी, सी की जगह माइनस टू, ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर और ए सी, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा वन का स्क्वायर वन, और ये माइनस फोर इंटू वन फोर, फिर से इंटू टू, फोर इंटू वन फोर इंटू टू, फोर टू या एट, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, तो ये वन माइनस फोर इंटू वन फोर, फोर टू या एट, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही रहेगा, यानी क्या आ गया माइनस सेवन, अभी ये लेस देन जीरो आ गया, तो एकदम क्लास 10th में यहीं पे हम लोग छोड़ देते थे, याद है क्लास 10th में हम क्या था कि जब भी d अगर लेस देन जीरो एकदम आता था तो हम लोग लिख देते थे कि d लेस देन जीरो यानी नो रियल रूट, याद है कि d लेस देन जीरो नो रियल रूट, नो रियल रूट, तो यहां पे भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर d का वैल्यू अगर कितना है, d का वैल्यू है माइनस सेवन, तो फिर रूट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, तो रूट डी का वैल्यू रूट के अंदर माइनस सेवन, रूट डी रूट के अंदर माइनस सेवन, और इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर, रूट के अंदर माइनस वन इंटू सेवन, और इसको जब हम लोग बाहर जब एकदम निकालेंगे तो रूट के अंदर माइनस वन इंटू रूट के अंदर सेवन, और ये एकदम कितना हो गया रूट माइनस वन को हम लोग लिखते हैं आई इंटू रूट सेवन, और ये कितना हो गया रूट सेवन आई, ठीक है, तो ये एकदम क्या है, ये एकदम रियल रूट तो है नहीं, ये एकदम इमेजिनरी रूट है ना, तो इसलिए क्लास 10th में हम लोग क्या लिख देते थे कि नो रियल रूट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नो रियल रूट, रियल रूट तो नहीं है, इमेजिनरी रूट, आई, आई क्या होता है, आई होता है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रूट, तो इसीलिए एक्स क्लास 10th में जैसा था, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए, ठीक है, याद है फॉर्मूला ना, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो बस यहाँ पे तो वैल्यू तो डालेंगे माइनस और b का वैल्यू, माइनस और b का वैल्यू इज 1, फिर से प्लस और माइनस, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू इज रूट सेवन आई, रूट सेवन आई, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a, a की जगह माइनस 1, ठीक है, तो ये माइनस b और प्लस माइनस रूट डी
और ये आ गया इतना। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन और एक बार प्लस रूट सेवन आई अपॉन में टू इंटू वन इज टू, और ये प्लस और माइनस माइनस टू, और दूसरी बार क्या आएगा, माइनस वन, ये वाली माइनस वन और ये माइनस रूट सेवन आई, ठीक है, माइनस वन माइनस रूट सेवन आई, फिर से अपॉन में नीचे टू इंटू वन माइनस टू। अभी ये माइनस को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वन प्लस रूट सेवन आई अपॉन में टू, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा यहां से, ये माइनस ऊपर भेजो तो माइनस माइनस वन और ये माइनस रूट सेवन आई अपॉन में टू, ठीक है। अभी ये माइनस इसके साथ जाएगा, ब्रैकेट में खुलेगा, तो ये माइनस माइनस यहां पे हो गया प्लस, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो हो गया प्लस, और इसके साथ जाएगा तो माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ऐसा हो गया आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम लोग एक और दम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस बार क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट टू और प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां पे रूट टू दिया है तो रूट टू से पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो वन, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो वन, एलसीएम हम लोग दम ले लेंगे। आप लोग जैसे तुम सॉल्व करते हो ना वैसे करना, लेकिन कुछ नया सीख लो, कुछ नया सीख लो मेरे से। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो रूट टू, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो वन होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी नीचे अगर हुआ कुछ तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ वन फिर से रूट टू और वन, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, निकाल सकते हैं ना, रूट टू, ठीक है, ऐसा वन रूट टू और वन, और रूट टू से जब हम डिवाइड करेंगे तो वन वन और वन हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया रूट टू। तो एलसीएम अगर रूट टू अगर आ गया तो उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रूट टू बोथ साइड, ठीक है, आप अपने ढंग से भी कर सकते हो कि रूट टू से हम सबको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम ले लो, या फिर जैसे जैसे आप लोग करते हो, लेकिन ये कुछ इजी टेक्निक है। तो रूट टू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो इसको अगर रूट टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वन मल्टीप्लाई रूट टू, फिर से प्लस एक्स अपॉन में रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, फिर से प्लस वन अपॉन में वन मल्टीप्लाई रूट टू और इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, रूट टू एक्स, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया एक्स, तो रूट टू एक्स स्क्वायर ये एक्स, और प्लस यहां से वन इंटू रूट टू इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अभी यहां से हम लोग डायरेक्ट एकदम डी एकदम निकाल लेंगे, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी का वैल्यू कहीं और दम निकाल लेते हैं, तो डी का वैल्यू हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, बी की जगह देखो क्या है, यहां पे ए की जगह है रूट टू और बी की जगह है वन और सी की जगह रूट टू, ठीक है, ये ए की जगह रूट टू, बी की जगह वन और सी की जगह रूट टू, तो डी बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, फिर से माइनस फोर इंटू ए की जगह वन, फिर इंटू सी की जगह रूट टू, तो यहां से क्या हो गया, वन का स्क्वायर वन, फिर ये माइनस फोर रूट टू, ठीक है, ये वन का स्क्वायर वन और ये माइनस फोर का फोर रूट टू, तो यहां से डी का वैल्यू इतना आ गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहां से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, तो ये वन का स्क्वायर माइनस फोर और ए की जगह देखो क्या है, ए की जगह कितना है, ए की जगह रूट टू, ए की जगह रूट टू, ठीक है, तो ये मिस्टेक है, ए की जगह रूट टू आएगा, ए की जगह रूट टू, तो ये कितना हो गया फोर और रूट टू इंटू रूट टू एक्स इंटू एक्स, रूट टू इंटू रूट टू मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स की जगह रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर इज टू, और ये वन माइनस फोर टू या एट, और ये कितना आ गया माइनस का सेवन, ठीक है, ये वन और ये माइनस फोर टू या एट और ये माइनस सेवन, ठीक है, तो जब डी का वैल्यू इतना आ गया तो रूट डी इज माइनस का रूट सेवन और ये कितना आ गया रूट सेवन आई, ठीक है, रूट सेवन आई आ गया। तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए, और यहां पे हम वैल्यू जब डाल लोगे क्या आ जाएगा, माइनस और बी की जगह वन, फिर से प्लस माइनस रूट डी इज रूट सेवन आई अपॉन में टू ए, ए की जगह रूट टू, तो टू रूट टू। अभी इसको रेशनलाइज कर लेना, ठीक है, रेशनलाइज कर लेना क्योंकि नीचे रूट टू है ना, तो रेशनलाइज कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो रूट टू से और नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एकदम कितना आ जाएगा, देखो मैं एकदम कर ही देता हूँ, तो ये माइनस टू इंटू, ये रूट टू इंटू वन इज माइनस का रूट टू, फिर से ये प्लस और माइनस, ये रूट 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 आ गया और सेवन टू जब फोर्टीन, ठीक है, ये रूट के अंदर सेवन टू जब फोर्टीन अपॉन में टू, और ये रूट टू रूट टू टू हो गया, टू इंटू टू 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 जब फोर, ठीक है, ये रूट टू रूट टू टू और ये टू टू जब फोर, राइट, तो ये आ गया आंसर। देखो तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लो, ये आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 की पावर 3, राइट, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम क्या आएगा, देखो पहली बात की ये ब्रैकेट को तो बाद में हम करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले वैसे ही रहने दो, पहले अंदर को हम लोग सॉल्व करते, तो आई की पावर 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, आई की पावर 18 को बताओ 18 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 4 जा 60 और रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो अगर रिमाइंडर अगर 2 आएगा, रिमाइंडर अगर 2 अगर आएगा तो आंसर क्या आएगा, याद है रिमाइंडर अगर 2 है तो आंसर क्या आता था, आई की पावर 2 और आई की पावर 2 इज माइनस 1, ठीक है, आई की पावर 2 ये कितना आ गया माइनस 1, आई की पावर 2 आएगा आंसर माइनस 1, तो इसका हो गया आई की पावर 60 इंटू आई की पावर 2, क्योंकि आई की पावर 16 प्लस 2 हो जाता है, ठीक है, याद है ना ये फॉर्मूला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखे, आई की पावर 16 और आई की पावर 2, फिर से प्लस ये 1 की पावर 25, तो 1 की पावर एनी नंबर, 1 की पावर एनी नंबर, देखो अब 1 की पावर एनी नंबर इज 1, और 1 माइनस 1 की पावर एनी नंबर, माइनस 1 की पावर एनी नंबर क्या आ जाएगा, एक बार आएगा प्लस 1 जब n इवन होगा, और ये आएगा माइनस 1 जब n ऑड होगा, ठीक है, जैसे देखो माइनस 1 की पावर 1 3, माइनस 1 की पावर 3 इज, तो हम 3 ऑड है तो माइनस 1, फिर से माइनस 1 की पावर 7 तो भी ऑड है तो माइनस 1, माइनस 1 की पावर 10 कितना आ गया, इवन है तो प्लस 1, ठीक है, यहां पे कुछ भी 6 अगर आ गया तो 1, 8 आ गया तो 1, ठीक है, अगर माइनस 1 में अगर इवन अगर आ गया तो प्लस 1, ऑड आ गया तो माइनस 1, ठीक है, और लेकिन ये 1 की पावर एनी नंबर इज 1, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की पावर 25, तो 1 की पावर 25 इज 1, फिर अपॉन में ये आई की पावर 25, आई की पावर 25, फिर यहां 3, ठीक है, चलो तो अभी क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो फिर से आई की पावर 16, 4 का मल्टीपल है ना 16, 4 4 16, तो 4 का मल्टीपल है तो 1 इंटू आई का स्क्वायर इज माइनस 1, फिर प्लस आप इसको चाहो तो हम डायरेक्ट एकदम डिवाइड करके भी माइनस 1 लिख सकते हो, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 ही, इसको माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 1 आ गया, ठीक है ना, समझ रहे कैसे, ये 16 1 इंटू माइनस 1, फिर से ये कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में आई की पावर 25, अभी इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो आंसर क्या आएगा, आई और इसकी पावर 3, ठीक है, रिमाइंडर 1 है यानी आंसर क्या आएगा, आई की पावर 1, मतलब आई आ गया रूट के अंदर माइनस 1, ठीक है, तो ये आई की पावर 24 आ गया 25 1 अपॉन आई, अभी 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई कितना होगा इसको याद कर लो, 1 अपॉन आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन आई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई मल्टीप्लाई आई अपॉन में आई, और ये हो गया 1 इंटू आई इज आई, और ये आई इंटू आई आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर इज माइनस 1, तो आई अपॉन में माइनस 1 इज माइनस का आई, ठीक है, तो ये माइनस आई, तो इसको याद रख लेना है कि 1 अपॉन आई इज माइनस आई, ठीक है, ये रेशनलाइज कर लेंगे
तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और ये आ गया माइनस आई, ठीक है। तो ये माइनस वन, फिर ये वन अपॉन आई प्लस वन अपॉन आई इज माइनस आई और इसकी पावर थ्री, ठीक है। ये आ गया माइनस वन, फिर ये प्लस, ये माइनस, अभी ये क्या हो गया माइनस वन और प्लस, इसको यहीं पे दम रहने दो या फिर ऐसा लिख लो वन माइनस आई की पावर थ्री। अभी ये तो हम कर सकते हैं ना, मैंने तुम बताया थे सेकेंड लेक्चर में कि हम कैसे दम करते हैं। इसमें एकदम सिंपल है, ए क्यू माइनस बी क्यू का दम फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एकदम क्या आ जाएगा ए क्यू माइनस वन की पावर क्यू, ठीक है, फिर प्लस बी क्यू और फिर जहां पे भी आई की पावर टू अगर आएगा तो वहां पे माइनस वन रखना है, आई की पावर अगर थ्री अगर आएगा तो उसको क्या रखेंगे माइनस आई, ठीक है। तो इसके आगे कर लेना, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, तो ये क्वेश्चन है ना, ये एकदम एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों चेंज करें? क्योंकि अगर मैंने अगर जैसे बनाए हैं वैसे आप भी प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप मिलाना कि मैंने एकदम क्या चेंज किया है, इसलिए इसका सॉल्व करना ये भी और एक बार वो भी प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे, देखो इतना वन अपॉन में वन माइनस फोर आई, फिर माइनस टू अपॉन में दिस, फिर मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नंबर दे दिए और इसको बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए प्लस आई बी, या फिर डायरेक्ट एकदम बोल देंगे कि इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देंगे और देख करके तुमने कि बहुत डर लगेगा, नहीं डरने की बात नहीं है, ठीक है। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल, बहुत सारी टेक्निक है सॉल्व करने के लिए, कि मैं जैसे तुम बता रहा हूँ ना वैसे करोगे तो और इजी पड़ेगा, ठीक है। क्या है देखो, पहले इसको चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका एलसीएम ले लो, वो एक अलग टेक्निक है, ठीक है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है कुछ नया सिखाना और ऐसा टेक्निक सिखाना जो कि इजी भी हो और सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, ठीक है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए और इजी हो, ताकि मैं एकदम एक क्वेश्चन बनाऊं और आप लोग 10 15 20 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। चलो तो इसको मेरे स्टेप से एक बार सीखना, एक बार समझना जरूर, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे है मेरा, आप जैसा आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि वन अपॉन में दिस, फिर माइनस टू अपॉन में, फिर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने वाली बात ही नहीं, ठीक है, डरने का नहीं बच्चों, इधर क्या करना है, रेशनलाइज करना है, बस हो गया, एक लाइन एकदम सोचो, ये नहीं कि आंसर बहुत दूर है, अरे बहुत दूर है तो हम लोग जाएंगे ना, पहले एक स्टेप पहले एकदम सोचो। तो एक स्टेप देखो, जब भी तुमको अगर ऐसा अगर क्वेश्चन कर दिया जाता है वन अपॉन में टू प्लस फाइव आई या फिर वन माइनस फाइव आई, तो क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, रेशनलाइज, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, वन अपॉन में टू माइनस फाइव बाई वन अपॉन में कुछ भी, क्या बताए थे हमने, जब भी नीचे आई हो जाए, जब भी नीचे रूट हो जाए, रिपीट कर लो, जब भी नीचे रूट हो जाए, जैसे ये छोटी क्लासेस में मिलता था टू प्लस रूट फाइव एक्स, अगर ऐसा अगर मिल गया तो हम क्या करोगे, क्या करोगे, नीचे रूट है ना, रूट अगर नीचे अगर आ गया तो रेशनलाइज, नीचे रूट आ गया तो रेशनलाइज, ठीक है। वैसे नीचे अगर आई अगर आ गया तो क्या करोगे, नीचे अगर आई आ गया तो भी रेशनलाइज करोगे, तो रेशनलाइज करना तो मालूम है ना, तो बस सिंपल, नीचे अगर रूट आ गया, नीचे अगर रूट आ गया और नीचे अगर आई आ गया तो रेशनलाइज, ठीक है, याद कर लो, नीचे रूट और नीचे आई कभी नहीं रहेगा, और नीचे कभी माइनस भी नहीं रहेगा बच्चों, वन अपॉन में माइनस फाइव क्या होगा, वन अपॉन में फाइव, तो हम तीन चीजें हो गई, क्या कि नीचे कभी माइनस नहीं रहेगा, नीचे कभी रूट नहीं रहेगा, और इलेवेंथ क्लास में हम लोग क्या समझे कि नीचे कभी आई नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए बात को। चलो तो इस चीज को हम लोग अभी यहां पे समझ गए तो रेशनलाइज करेंगे, तो वन अपॉन में वन माइनस फोर आई और रेशनलाइज कर लेंगे, वन प्लस फोर आई, रेशनलाइज करने आता है ना, यहां माइनस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ। और बच्चों एक चीज और, कि अगर ऐसा अगर दिया है, देखो वन अपॉन में 5i माइनस फोर, अभी इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे देखना, ऐसा नहीं करेंगे कि 5i प्लस फोर अपॉन में 5i प्लस फोर, दिस इज नॉट, क्योंकि पहले क्या करेंगे, पहले उसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो एकदम करेक्ट वे क्या है, पहले इसको ऐसा लिखो माइनस फोर प्लस 5i और फिर अब रेशनलाइज कर लो, माइनस फोर माइनस 5i अपॉन में माइनस फोर माइनस 5i, समझ के बात को, क्या करना है, पहले उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे और फिर जब a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया तो हम लोग साइन किसका चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे माइनस वाले का,
ये बीच वाले का, आई वाले का, आई वाले का, ठीक है। मतलब कंजुगेट हम लोग समझे थे ना, अगर कंजुगेट अगर ऐसा कर दिया है ए प्लस आई बी अगर दिया है तो इसका कंजुगेट ए माइनस आई बी होगा, लेकिन अगर ऐसा अगर दिया है, ठीक है, अगर ऐसा अगर दिया है माइनस बी आई और प्लस आई, ये प्लस ए, तो यहाँ पे ऐसा बच्चों नहीं करना है कि ये हो गया माइनस बी आई और माइनस ए, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है तो इसको हम करना है, देखो माइनस वाली साइन में चेंज कर दो तो ये माइनस बी क्या हो गया प्लस बी आई और ये प्लस ए, ये हो गया ट्रू, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बताते रहता हूँ ना, तो देखो ये माइनस से क्या हो गया प्लस और बी आई और प्लस ए, ठीक है, ये ट्रू होगा ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको मार्क्स दिलाएगी, मतलब आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे बच्चों। देखो यार ये वन माइनस का प्लस, वन प्लस फोर आई, वन प्लस फोर आई, फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, वन प्लस है तो माइनस आई, माइनस आई, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस फाइव आगे आ जाएगा और ये माइनस आई है और ये माइनस आई का रेशनलाइज प्लस आई के साथ, तो फाइव प्लस आई, फाइव प्लस आई, ओके डन। चलो तो फिर से ये सिंपल मल्टीप्लाई है, वन इंटू एनीथिंग वही नंबर आ गया। फिर से ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस वन, ये वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस ये टू इंटू दिस, तो टू इंटू वन इज टू, फिर से ये माइनस टू इंटू आई इज टू आई, फिर से ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी अभी ये मल्टीप्लाई करने का नहीं आता है, तो इसको हम समझ लो कैसे करते हैं। देखो थ्री का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो थ्री का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर से ये माइनस फोर आई, माइनस फोर आई का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है ना। अभी ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अभी क्या हो गया, ये तो सेम टू सेम, ये वन स्क्वायर वन और ये 16 और ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस वन, तो माइनस वन, ठीक है। फिर ये माइनस टू, ये टू माइनस टू आई और ये हो गया आई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे भी आई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और कुछ तो इसमें हुआ नहीं, अच्छा ये सिंपल मल्टीप्लाई, फाइव थ्री का 15, ये तो हो जाएगा ना डन। चलो तो अब ये 16 प्लस वन ही 17, तो वन अपॉन में 17 प्लस फोर अपॉन में 17 आई, फिर माइनस टू अपॉन में टू, फिर ये माइनस। देखो जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं तो बताते जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके तो लिखना, इसको बनाना खुद से, मैंने इसलिए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं ताकि समझ लो बात को। हाँ तो यहाँ पे माइनस टू, माइनस टू अपॉन में टू, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस टू आई अपॉन में टू, टू आई अपॉन में टू। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है, स्कूल के एग्जाम में। ये 15 और ये माइनस फोर आई और ये आई स्क्वायर कितना हो गया, आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस फोर इंटू माइनस वन कितना हो गया प्लस फोर, तो ये 15 और ये प्लस फोर इज 19 अपॉन में 25 प्लस वन इज 26। फिर से ये प्लस थ्री और ये माइनस 20, माइनस 17 अपॉन में 26 आई, राइट है। अभी ये तो एकदम सिंपल हो गया, देखो अब ये 17 इसके अलग अलग एकदम चला गया, 4 अपॉन 17 ये हो गया अलग अलग, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये देखो ऐसा आ गया। देखो पूरे इस चैप्टर में करना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, जब भी कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए पहले उसको ए प्लस आई बी करो, ए प्लस आई बी, बस हो गया। देखो तो यहाँ पे ए प्लस आई बी, ठीक है, आगे ना ये था क्वेश्चन, और फिर इसका जब एकदम ए प्लस आई बी क्या आएगा, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वन मार्क में आ सकता है कि इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, तो एकदम कैसा करोगे, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यहाँ पे आके रुक जाओगे, एक मार्क मिलेगा ना, लेकिन ये क्वेश्चन तो तीन चार मार्क का है। चलो तो यहाँ पे हम लोग आ गए ए प्लस आई बी, मान लो कि अगर ये क्वेश्चन अगर दे दिए होते और फिर बोलते कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ए प्लस आई बी, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे आ गया ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, देखो ए प्लस आई बी, ठीक है, यहाँ पे ये ए प्लस आई बी, ठीक है। अगर ये देते तो इसका ए प्लस आई बी ऐसा, मतलब क्या करना होता है, ए प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। अभी ये 1 अपॉन 17 और ये माइनस 2 अपॉन 2 इज 1 माइनस 1, तो ये नंबर है ना, इसमें आई नहीं है तो ये नंबर, इसमें भी नंबर नहीं है तो ये आई नहीं है तो नंबर, तो ये नंबर, ये नंबर एक साथ, फिर ये प्लस 4 अपॉन 17, फिर से ये प्लस 2 अपॉन 2 इज 1 और ये आई, दोनों में आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो आई वाले एक साथ आएंगे, तो आई वाले एक साथ आएंगे और बिना आई वाले एक साथ आएंगे, ठीक है, इनटू ये 19 अपॉन 26 फिर माइनस 17 अपॉन 26 आई, ठीक है क्या, ठीक है ना। चलो
ये अब ये क्या हो गया, इसको तुम सिंपल कैलकुलेट कर लोगे, ये 1 माइनस 17 यानी माइनस 16 अपॉन 17, फिर ये प्लस इसको 17 प्लस 4, ये 17 यहां चला जाएगा, तो 17 प्लस 4 21 अपॉन में 17 आई, फिर ये ऐसा हो गया, देखो आ गया ना ए प्लस आई बी के फॉर्म में। मान लो कि ये सिर्फ इतना अगर दिया होता, सिर्फ अगर इतना अगर दिया होता, और क्या बोलते कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो देखो आ गया यहाँ हो गया 2 मार्क के है ये क्वेश्चन। अगर इतना अगर आया तो सिर्फ 2 मार्क का, इतना अगर ऐड कर दिए तो 3 मार्क का, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको ये एक नंबर ले लो और फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसा यहां पे जैसा किए थे कि क्या 3 का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, फिर से ये माइनस 4i का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, वैसे ही एक बार ये माइनस 16 अपॉन 17 लेंगे और ये यहां पे क्या है मल्टीप्लाई, तो एक बार माइनस 16 अपॉन 17 का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, मतलब इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर से ये प्लस प्लस एक बार इसका इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ए प्लस आई बी में ला करके छोड़ेंगे लास्ट में ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो जाएगा ना। देखो इसको पॉज कर लो और लिखो, आराम से पॉज करके लिखना, कोई दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। तो एक और हम लोग क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो तो इस बार हम क्या बोला गया है कि ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब आर का वैल्यू, याद है मॉडुलस का मतलब आर, ठीक है, आर को हम लोग मॉडुलस में बोलते थे ना, आर आर को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, तो आर निकालना है और थीटा थीटा आर्गुमेंट का मतलब थीटा, तो मतलब क्या है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो हम पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपल, या तो पोलर फॉर्म में हम पूछा जाए या तो हम डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि इसका आर्गुमेंट एंड मॉडुलस बताइए। तो हम कैसे हम लोग करेंगे, देखो इस बार ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसको पहले रेशनलाइज कर लेना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में डायरेक्ट, या तो पोलर फॉर्म में बोला जाए या फिर ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ठीक है। तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है, रेशनलाइज कर सकते हो, देखो ये माइनस में है प्लस प्लस, ठीक है, 1 प्लस 3i, और फिर इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई दिस, फिर से ये 2i मल्टीप्लाई ये वाली नंबर, फिर से ये a माइनस बी ए प्लस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, राइट है। बस देखते हो मन में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स नंबर बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, ठीक है, एक तो मन में आइडिया चाहिए और दूसरा आपको प्रैक्टिस करके स्पीड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपके मन में आइडिया क्रिएट करना, मतलब कैसे बनाते कैसे हैं, कैसे करते कैसे हैं, क्योंकि कोई भी कोच कोई भी मेंटर तो क्या करता है, वो सिर्फ इतना तो बताता है कि करते कैसे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके से वो तो बता के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपको तैयार करता है, बाकी आपको जाकर के फाइनल मैच खेलना है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है सिर्फ आपको आइडिया देना, सिर्फ आपको सिखाना, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई दिस, फिर से 2i मल्टीप्लाई दिस, फिर ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ये 1 × 1, फिर से ये मल्टीप्लाई सिंपल, ये 3 × 2 = 6 और ये i इंटू आई आई स्क्वायर, अभी ये i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया प्लस माइनस 6 और ये 3 + 2 = 5i और ये 1, ठीक है, वैसे ये a स्क्वायर 1, फिर ये 3 × 3 = 9 और i स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 + 9 और ये कैंसिल होकर के इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल पार्ट है, ये क्या हो गया a + ib, ठीक है। तो हम फिर से एक बार समझ लो, देखो ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाए, या तो मॉडुलस आर्गुमेंट पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा या तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट पोलर फॉर्म में हम लिखो, या फिर तीसरा क्वेश्चन कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ए प्लस आई बी, तो फिर यहीं पे खत्म। अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर बोल दिया लिखने के लिए तो ये तो यहीं पे खत्म, ठीक है। अगर ए प्लस आई बी बोल दिए तो यहां रुक जाओ, 1 मार्क मिल गए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बोला गया या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में ना बोला गया तो यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद क्या हमें पूछा जाता है, इसमें फाइंड इनवर्स, इसका इनवर्स निकाले, इसका कंजुगेट निकाले, इसका मॉडुलस निकाले, ठीक है। तो मॉडुलस तो अभी हम लोग सीखेंगे, या फिर इसका कंजुगेट, तो इसका हम कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आई बी का हम कंजुगेट क्या होता है, ए माइनस आई बी, ठीक है, ये इसका जेड कंजुगेट, ठीक है, वो एकदम फर्स्ट लेक्चर में आपने देख लेना, जेड कंजुगेट क्या होता है, ए प्लस आई बी का ए माइनस आई बी, तो ए माइनस आई बी, ठीक है। ये भी कभी कभी 1 मार्क में हम पूछ लेते हैं कि ऐसा बोल दिए और हम बोले कि इसका कंजुगेट निकालो, तो हम कंजुगेट क्या हो जाएगा, ये ऐसा पहले ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाओ फिर ए माइनस आई बी लिख दो, ये तो हो गया कंजुगेट, फिर मॉडुलस और एक और इसका इनवर्स, तो एकदम इनवर्स क्या हो जाएगा, जेड का एकदम इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड,
ठीक है, तो मतलब इसका वन अपॉन जेड तुम निकाल लोगे, मतलब इसका इनवर्स, इसका इनवर्स तो वन अपॉन, तो मतलब फिर से इसको वन अपॉन करोगे मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा और तब फिर से इसको रेशनलाइज कर लोगे, ठीक है। वो मैंने लेक्चर सेकंड में शायद बताए, ठीक है, लेक्चर सेकंड में कराए हैं, उसको कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एक तो ए प्लस आई वी के फॉर्म में लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर एक कंजुगेट निकाले या फिर मॉडुलस निकाले या फिर आर्गुमेंट निकाले या फिर इसका इनवर्स निकाले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, पोलर फॉर्म में तुम लिखे, राइट है। तो इतना आ गया। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि ना पोलर फॉर्म क्या होता है, तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, ठीक है, आई आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से आर कॉस थीटा कितना हो गया, वन अपॉन टू आर साइन थीटा, वन अपॉन टू, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्टेप याद है ना, पहले बताए थे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया वन, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर, फिर से ये वन अपॉन फोर, और ये कितना हो गया, ये एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, और टू अपॉन फोर वन अपॉन टू, ठीक है। अब ये आर का वैल्यू वन अपॉन रूट टू, और ये हो गया इसका मॉडुलस, मिल गया ना एक मार्क और, तो मॉडुलस निकाल लिए, अभी आर्गुमेंट निकालना है और एक मार्क और मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे, देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू और डिवाइड में आर, मतलब वन अपॉन आर, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई में है, यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर हो जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन आर, ठीक है। और ये आर का वैल्यू अगर वन अपॉन रूट टू है, अगर आर का वैल्यू वन अपॉन रूट टू है, तो यहां से रूट टू ऊपर जाएगा और आर नीचे आएगा, तो वन अपॉन आर का वैल्यू रूट टू, तो वन अपॉन आर का वैल्यू रूट टू, और ये रूट टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन रूट टू, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का वन अपॉन रूट टू, तो हम कॉस अल्फा प्लस में हम लोग मानते हैं, याद है कॉस अल्फा प्लस में वन अपॉन रूट टू, ठीक है। फिर वैसे ही यहां से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू वन अपॉन में टू, और ये वन अपॉन आर, ये आर यहां से जाएगा तो वन अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा वन अपॉन में आर, राइट। फिर अभी ये क्या हो जाएगा, यहां पे साइन वन अपॉन में आर, ठीक है, और ये वन अपॉन आर का वैल्यू यहां से रखेंगे रूट टू, और ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन में रूट टू, तो साइन थीटा का वैल्यू, तो एकदम साइन अल्फा का भी वैल्यू प्लस में, तो यहां तो प्लस में ही है, तो हम प्लस में आ गया वन अपॉन रूट टू, ठीक है। अभी ये टैन अल्फा साइन अपॉन में कॉस, तो एकदम साइन कितना वन अपॉन रूट टू, फिर से कॉस वन अपॉन में रूट टू, वन आ गया। अभी ये टैन टैन वन कब आता है, तो टैन 45 पे वन आता है, याद है टैन 45 टेंथ में, टैन 45 वन, तो हम अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे 45। अभी हम देख रहे हैं थीटा क्या आएगा, तो एकदम एक्स और वाई का साइन देखो, यहाँ पे एक्स क्या है, ये है एक्स, ठीक है, ये है एक्स अपना, तो एक्स क्या है प्लस, और ये है वाई, तो वाई क्या है, ओ सॉरी एक्स क्या है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स ये वाली एक्स प्लस एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स हो गया निगेटिव वाई हो गया पॉजिटिव, तो एक्स हो गया निगेटिव वाई हो गया पॉजिटिव। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव किधर आता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किधर आता है बताओ, देखो ये इधर एक्स का प्लस प्लस और ये एक्स का माइनस वाई का प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा, पिछले क्लास में तो देखना, ठीक है, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 45, 180 माइनस 45, ठीक है, ओके।